अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आबिद कार सेंटर पर आज मौजूद हैं हम, और यहाँ पर जो गाड़ियों के रिव्यूज़ हैं वो आप लोगों को करवाएंगे। और यहाँ पर जो गाड़ियों की रेंज है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ माशाल्लाह से वो इनके पास खड़ी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं प्राडो जो है ये पर्ल वाइट कलर में है, एक हमारे पास ब्लैक कलर में है, और बाकी जो हैं जापानी गाड़ियाँ जो हैं इनके पास मौजूद हैं कुछ, तो इनके भी रिव्यूज़ करवाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पे क्लिक लाजमी कर लें। तो चलो जी दोस्तों आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ये जेड एक्स प्राडो दिखाते हैं जी। जेड एक्स प्राडो है हमारे पास 2009 का मॉडल है जी, और 13 की ये इम्पोर्ट है दोस्तों। गाड़ी आप लोगों के सामने है, बड़ी ही शानदार गाड़ी है दोस्तों। कंडीशन इसकी जो है ये टोटल जेन्युइन कंडीशन में दोस्तों गाड़ी है। इसका जो है आप लोग फ्रंट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। और इसके अलावा जो है इसके आप लोग देख सकते हैं बम्पर वगैरह बिल्कुल नीट हैं, कोई भी स्क्रैच या डेंट वगैरह मौजूद नहीं है। बाकी इसके जो टायर वगैरह हैं ये भी बिल्कुल नीट हालत में है। अलॉय रिम वगैरह दोस्तों बड़े ही शानदार हैं इसके, और जो इसका इसकी जो साइड है लेफ़्ट साइड, ये भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी में कोई भी आपको स्क्रैचेस या कोई डेंट वगैरह जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। बाकी बैक साइड से भी आप लोग इसकी जो कंडीशन है देख सकते हैं, जेड एक्स वेरियंट है ये, लैंड क्रूज़र है जी V8। और बाकी जो है इसका मैं दिखाता हूँ अंदर से आप लोगों को, इंटीरियर जो है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो राइट साइड है दोस्तों, ये भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। तो चलें जी अभी दिखाते हैं आपको अंदर से, इसका जो इंटीरियर है वो भी दिखाते हैं जी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी इनसाइड जो कंडीशन है डोर की, बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। और इसका जो देख सकते हैं डैशबोर्ड, बिल्कुल नीट हालत में दोस्तों इसका डैशबोर्ड है। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन इसमें मौजूद है, स्क्रीन लगी हुई है, हर चीज़ इसकी प्रॉपर वर्किंग में है। और बाकी जो है मल्टीमीडिया के ऑप्शंस जो हैं ये मौजूद हैं। सीट्स देखें तो सीट्स भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद हैं, और जिसकी बैक सीट्स हैं ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। इसका जो सनरूफ है ये भी बिल्कुल एक्टिव है, हर चीज़ इसकी दोस्तों प्रॉपर ओके है, नया मॉडल है। और फाइनली जो है इस गाड़ी की जो डिमांड है वो आपको बताते हैं कि इस गाड़ी को जो डिमांड है ये आबिद कार सेंटर पर क्या की जा रही है। दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड है ये की जा रही है जी 175 इसकी डिमांड की जा रही है। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर हमने शोरूम का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप लोग इनसे रابطہ कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोग इनसे ले सकते हैं। तो बाकी जो है हमारे पास एक पर्ल वाइट कलर में भी जो प्राडो है ये मौजूद है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जी। जी तो दोस्तों ये जो हमारे पास गाड़ी है ये 2016/21 का मॉडल है, पर्ल वाइट कलर है दोस्तों इसका, जो कि बहुत ही रियर कलर है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसकी कंडीशन टोटल जेन्युइन हालत में दोस्तों ये गाड़ी है। इसका बम्पर देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी स्क्रैच वगैरह या डेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी इसके जो हैं टायर आप लोग देख सकते हैं, मिचलिन के टायर जो हैं ये इंस्टॉल्ड हैं और बिल्कुल न्यू टायर हैं इसके। और साइडें अगर मैं इसकी दिखाऊं तो इसका जो पेंट है, ये कलर जो है इसका बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल डेंटलेस और स्क्रैचलेस गाड़ी है दोस्तों। अभी जो है बैक साइड से भी इसकी जो कंडीशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। TXL ये एडिशन है दोस्तों, बैक साइड से भी जो गाड़ी की कंडीशन है ये ऑलमोस्ट न्यू है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। बैक कैमरा दोस्तों इसमें मौजूद है, और दोस्तों इसकी जो राइट साइड है ये भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल न्यू गाड़ी है जी, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। और 16/21 का ये मॉडल है TXL, और दोस्तों 5 सीटर ये गाड़ी है। बाकी अंदर से भी इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं अंदर से इसका जो इंटीरियर है, और डोर देख सकते हैं बिल्कुल फाइन है, और जो इसका डैशबोर्ड है माशाल्लाह लग्जरी गाड़ी है जी, ये बड़ी गाड़ी है, एयर बैग्स वगैरह, और जो गियर ट्रांसमिशन है इसमें आप देख सकते हैं जी, और स्क्रीन वगैरह हर चीज़ इसकी प्रॉपर ओके है। सीट्स की बात करें तो ये भी जो है इसमें ऑलमोस्ट न्यू सीट्स हैं जिसमें बिल्कुल ठीक हालत में, जो बैक सीट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल ठीक हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी मतलब जो होता है ना छोटा सा भी कोई इशू गाड़ी में नहीं है, पुश स्टार्ट गाड़ी है दोस्तों, बड़ी गाड़ी है। और इसका दिखा देते हैं बैक रूम भी आप लोगों को, बैक रूम भी इसका देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है, और नीचे जो मैटिंग वगैरह ये भी बहुत ही साफ़ सुथरी हालत में है। जो सीट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो फाइनली दोस्तों अब जो है इस गाड़ी की जो डिमांड है वो आपको बताते हैं कि इसकी जो डिमांड है ये क्या की जा रही है जी। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो फाइनली डिमांड की जा रही है आबिद कार सेंटर पर, यहाँ पे इसकी जो डिमांड है ये की जा रही है जी 185। जी हाँ दोस्तों 185 इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर हमने इनका नंबर दिया हुआ है, आप लोग इनसे रابطہ कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं।
जी तो दोस्तों, जो आबिद कार सेंटर का एड्रेस है गुजरांवाला में, वापडा टाउन के मेन गेट के बिल्कुल जो है कॉर्नर पे, ये आबिद कार सेंटर जो है ये मौजूद है, इनका शोरूम मौजूद है। बिल्कुल इसके सामने जो है शारजा टायर सेंटर है और सिकंदर मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स है ये मौजूद है। कॉम्प्लेक्स इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो है आबिद कार सेंटर मौजूद है और यहाँ पर ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर आके तो गाड़ियाँ विजिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।